आ जाओ। सो हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं, टुडे इज 1st of Jan 2021। हाँ ये भी डालेंगे। तो अभी क्योंकि हम लोग दोनों दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो आज हम लोग सोच रहे हैं वी आर गोइंग फॉर अ डिनर। सो लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग। तो मिलते हैं आपको डिनर के वेन्यू पे। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं वेव मॉल, क्योंकि वहाँ पे ही हमारा जो डिनर है वो हमने प्लान कर रखा है। तो इट्स अ रेस्टोरेंट, और यू कैन से अ बुफे रेस्टोरेंट नेम्ड एज सेंचुरियन। तो हम लोग सेंचुरियन जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ने टेबल रिजर्व कर रखी है अपनी, और वो एक बुफे रेस्टोरेंट है। मींस कि आप वहाँ पे पूरा बुफे सर्व होगा और आप उसमें डिनर कर सकते हैं। सो अभी हम कभी सेंचुरियन गए नहीं थे, सो वी थॉट कि एक बार वहाँ जाके देखते हैं। और बाकी सब जगह हम लोग जा चुके थे, सो ये थोड़ा न्यू था, तो इसलिए हमने यहाँ का प्लान करा। ये वेव मॉल में ही इनबिल्ट है, और वहीं पे ही हमें पार्किंग लगानी है। सो हम अब पहुँच गए हैं वेव्स, और वहाँ पे ऐसा देख रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। और क्योंकि 2020 सबका बहुत अच्छा नहीं गया, इस वजह से शायद लोग ये सोच के आए हैं कि नया साल का पहला दिन है तो उसको अच्छे से इन्जॉय करते हैं। तो ऑल ओवर काफ़ी रश है रोड्स पर भी, और प्लस सारे मॉल्स में, पार्क्स में एंड ऑल। तो उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को निकलने में भी, और थोड़ा रश भी ज़्यादा था। सो हम लोग मॉल के अंदर आ गए हैं, और एक्चुअली हम लोग को रास्ता ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कहाँ से स्टेयर्स हैं या कहाँ से उसका वे है। वे काफ़ी बड़ा मॉल है, तो इस वजह से, और हम वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग के लिए ही गए, हम कभी सेंचुरियन नहीं गए, तो हमने पूछा भी नहीं, तो हम काफ़ी भटक गए थे। बट आफ्टर दैट गार्ड से पूछा, तो उसने हम लोगों को रास्ता बता दिया। तो फिर हम लोग वापस लौट के वहीं पर गए और काफ़ी सारा इन्जॉय किया। वेव के बाहर ये बहुत अच्छे से छोटे स्टॉल्स लोगों ने लगा रखे हैं, जहाँ पर बहुत सस्ते में सामान बेच रहे हैं वो लोग। वार्मर्स हैं, आप पुलोवर्स ले सकते हैं एंड ऑल, तो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और हम फिर दोबारा एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था, आपको पहले ही मैंने बताया था, रास्ता नहीं पता था, वी फॉरगॉट दैट वे। सो हम लोग वापस एंट्री करें और उसे पूछ कर, फिर हम लोग वापस उस पर सेंचुरियन के लिए जा रहे हैं। सो एट लास्ट वी हैव रीच अवर डेस्टिनेशन। और स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
बिकॉज एम्बियंस वहाँ का बहुत अच्छा था और हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया। एज यू ऑल कैन सी न्यू ईयर थीम डेकोरेटेड थी सेंचुरियन में, एंड यू ऑल कैन सी क्रिसमस प्लस न्यू ईयर दोनों ही सेलिब्रेट हो रहा था। 25th को भी हम लोग नहीं गए थे बाहर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा और अच्छा था कि क्योंकि पूरे साल कहीं जाना नहीं हुआ। सो या एम्बियंस बहुत अच्छा है सेंचुरियन का, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे फूड वो प्रोवाइड करते हैं और उसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है एज यू ऑल कैन सी। तो हमने टेबल फॉर टू रिजर्व कर रखी थी और हमारी टेबल का जो नंबर था वो था 2 आई थिंक, हाँ शायद हाँ 2 ही था। और म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था, मतलब ऑल ओवर इट वाज अ परफेक्ट वीकेंड गेटअवे, सॉरी परफेक्ट न्यू ईयर गेटअवे, तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा। और खाना भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा था एंड इट्स सेल्फ सर्व, आप क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं एंड ऑल दैट। सो हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया और आप भी देखिए कि हम लोग ने वहाँ पे क्या क्या किया। सो वहाँ की हम पूरा जो डिनर था उसकी जो मेन कोर्स था उसका मेन कोर्स और स्नैक्स का वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज हम लोग वहाँ गए थे थोड़ा इन्जॉय करने, तो कोई भी वीडियो हमने नहीं शूट किया। थोड़ा बाद में जब इट वाज ऑल डन तो हमने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो ये मेरा मेन कोर्स चल रहा है, स्नैक्स हो चुके थे और डेजर्ट्स क्योंकि मेरे फेवरेट हैं इसलिए हमने सोचा डेजर्ट्स का वीडियो ज़रूर डाल देते हैं। इन डेजर्ट्स में दे वर हैविंग अमेजिंग ऑप्शंस, दे वर हैविंग रसगुल्ला, गाजर का हलवा एंड प्लस पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी एंड ऑल। सो मेरे लिए तो डेजर्ट बहुत अच्छा बिंज था और हमने ज़्यादातर डेजर्ट ही प्रेफर किया क्योंकि हम कहीं भी ज़्यादा ज़्यादा डेजर्ट ज़्यादा खाना पसंद है। एंड बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे थे डेजर्ट्स एंड स्नैक्स भी अच्छे थे। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो स्नैक्स भी काफ़ी वेज और नॉन वेज दोनों ही टाइप के हैं, तो इफ़ यू विश टू गो यू कैन गो सेंचुरियन फॉर अ टाइम। और काफ़ी अच्छा है एम्बियंस, काफ़ी अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे एंड थोड़ा सा जो अगर आपको पर्सनल गेट अवे करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली गो देयर एज वी इंजॉयड अ इवनिंग, यू कैन ऑल्सो गो देयर। तो उसके बाद लगभग 10 बज चुके थे तो हम लोग ने अब बाहर आ रहे हैं और बाहर फर्स्ट को काफ़ी ठंड थी एंड कोहरा पड़ने लगा था। सो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।